बस इतना है माशाल्लाह से कि मैं अपनी गाड़ी भी खरीद सकती हूँ, और अगर थोड़ी सी मैंने और भी ज़्यादा सेविंग की होती ना, थोड़ा मैंने उड़ा दिया ना पैसे, थोड़ी सी सेविंग की होती तो मैं अपने लिए अपना घर भी खरीद लेती। अब तक जितनी भी जो मैं कर रही हूँ ना, वो मेरी सेल्फ लर्निंग है। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, मुझे लड़कों से शर्म आती थी बहुत और डर लगता था मुझे, तो मैं कहती थी कि नहीं भाई लड़की होंगे तो मैं कैसे। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट एक वो था स्टेप था जो कि मैंने अपने लिए लिया था कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना तो मुझे ही करना है। एक फ्रेंड थी मेरे साथ, तो उसने उसको मैंने बोला हुआ था कि यार मतलब ये जो जॉब है ना ये मेरे लिए नहीं है, मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है तो अब क्या करें, कहाँ जाएं, किधर जाएं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड फखैर वेलकम टू इस्माइल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। दिस इज इस्माइल एंड हमारे साथ यहाँ पे बैठी है जवेरिया। सो जवेरिया को मैं वेलकम करता हूँ एंड उसके बाद आगे शुरुआत करेंगे जवेरिया की लाइफ के हवाले से, जवेरिया क्या करती है, उसके साथ साथ कितना कमा रही है डॉलर्स में और क्या कर सकती है, आगे इसका क्या प्लानिंग है, किस तरीके से इस फील्ड में, तो तमाम तर बातें जो है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जाते हैं जवेरिया को वेलकम करने। तो जवेरिया वेलकम टू इस्माइल ब्लॉगर सक्सेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो दिस इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ सक्सेस स्टोरी विद इस्माइल ब्लॉगर एंड आज हम जवेरिया को जानेंगे। जवेरिया सबसे पहला क्वेश्चन, कहाँ से बिलोंग करती है और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैं बेसिकली पेशावर से बिलोंग करती हूँ और मैंने मास्टर्स किया है उर्दू लिटरेचर में। वाह, समीन के अगर आप उर्दू सीखना चाहें तो आप इनके चैनल को मस्ट विजिट करें, क्योंकि इनके जो वर्ड्स की सिलेक्शन होगी वो बहुत पावरफुल होगी। हमारे पास तो वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। वेल, जवेरिया ऑनलाइन फील्ड में कैसे आई? पहले से आइडिया था या बाद में कहीं पे आपको आइडिया हो गया? वेल, मैं आपको बताऊं कि जिस स्कूल से मैंने पढ़ा था, अगर आप कहें तो मैं नेम ले सकती हूँ। या श्योर, ठीक है। अच्छा, मैंने पेशावर की ही पेशावर मॉडल स्कूल से मैंने पढ़ा है, तो जहाँ जो आपका एनवायरनमेंट होता है ना वो आपकी मेंटालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो मेरी जो मेरा सराउंडिंग थी, जो मेरी फ्रेंड्स थी, जो मेरी गैदरिंग थी ना, वो थोड़ी हाई लेवल की थी, ठीक है, हाई सोसाइटी और थोड़ी ऊंचे, यू नो, उस टाइप की। तो फिर उनके साथ रह रखे ना, मेरी भी मेंटालिटी थोड़ी सी वैसी होगी, थोड़ी ऊंची सोच और थोड़ा बड़ा सोच, बड़ा कुछ करना है लाइफ में और उस टाइप का, राइट। तो लेकिन मेरी जो फैमिली है वो मुझे कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी इस चीज़ के ऊपर। तो मैंने रीजन क्या थी, कंजर्वेटिव माइंड या मेरे फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। तो एजुकेशन तो वो उनको जाहिर है, वो चाहते थे कि एजुकेशन तो मेरी बेटियां, वी आर टू सिस्टर्स, लेकिन ये चीजें नहीं चाहती। हाँ, बस बस पढ़ लिया, मास्टर्स कर लिया, बस उसके बाद शादी हो, बस खत्म कहानी, बस और ज्यादा कुछ नहीं करना लाइफ में। जो नॉर्मली हमारे नॉर्मल जो हमारी सोसाइटी का एक होता है, सोसाइटी में लड़कियों के साथ जो होता है। तो मैं उनके साथ थी। खैर, उस वक्त भी चलो मेरा भी थोड़ा सा, मैंने कहा ठीक है, अब्बू है ना, कह रहे हैं तो बस करना ही है। उसके बाद कॉलेज लाइफ में चली गई। व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, तो मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया अपना, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरी जो क्लास फेलोज है ना, वो सारी की सारी मेडिकल की स्टूडेंट्स हैं और मैं सिंपल बैचलर्स कर रही थी। सही। तो मुझे उस वक्त बड़ा ऐसा फील हुआ ना कि मैं इनसे बहुत पीछे रह गई हूँ, ये मुझसे आगे हो गई, जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल है। तो मैं भी फील करती थी कि मतलब ये डॉक्टर्स बन जाएंगी और हर कोई इनको मतलब अप्रिशिएट करेगा, इनका एक नाम होगा, ये वो, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ इनसे। तो उस वक्त ना मैंने अपने, मुझे अपने आप पे अफसोस हो रहा था, मुझे उनसे कुछ जेलसी नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे अपने आप पे अफसोस हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, या तो मे बी ये हो सकता है। दूसरा ये था कि मेरी थोड़ी सी मेमोरी थोड़ी सी मेरी वीक थी, मुझे लर्निंग इतनी जल्दी से मैं नहीं कर पाती थी। तो मैं थोड़ी सी स्टडीज में भी थोड़ी सी मैं पीछे रह गई थी। तो मैं क्या करती थी, मैं मैंने ना अल्लाह पाक से ना गिले शिकवे स्टार्ट कर दी कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों, मतलब इन इतने सारों को डॉक्टर बनाया तो एक मुझे भी डॉक्टर, मैं भी बन जाती तो क्या हो जाता ना, कुछ नहीं होता। तो लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए अल्लाह पाक ने, अल्लाह पाक के जो प्लान्स हैं ना वो कुछ और ही होते हैं, हमें नहीं पता होता। हम जो है गिले शिकवे कर रहे होते हैं, लेकिन जब टाइम आता ना तब हमें रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड, मतलब हमारे लिए अल्लाह ने ये सब कुछ सोचा हुआ था, बेहतर सोचा हुआ था। तो सेम वैसे ही मैं, खैर यू नो, आप भी के पी के से हैं, मैं भी हूँ के पी के से, तो यहाँ पे फीमेल्स के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो सेम वैसे ही मेरे लिए भी कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन बस मास्टर्स कर लिया। उसके बाद जाहिर है टीचिंग का ही नॉर्मली हम लड़कियों के, आपको कहाँ पे पता चला? व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब,
अच्छा, और जब आप कहाँ पे कर रहे थे? ये इधर ही पिशावर मॉडल स्कूल में ही। ओके ओके, उधर ही। तो कोई इवेंट हुआ था ऑनलाइन क्या? मतलब मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको जानना चाह रहे होंगे। मेरी वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जब जॉब कर रही थी वहाँ पे, तो मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ, तो उसको मैंने बोला हुआ था कि यार मतलब ये जो जॉब है ना, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है, तो अब क्या करें, कहाँ जाएं, किधर जाएं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो उसने मुझे एक दिन अचानक से कहा कि यार ये कोई फ्रीलांसिंग होती है, घर में बैठ के करते हैं, और आईटी और ये वो। तो मेरे तो पहले ऊपर से गुजर गए, मैंने कि ये क्या चीज़ें हैं ना, मुझे तो समझ नहीं आ रही इन चीज़ों की, ये क्या है। उसके बाद फिर उसने कहा कि चलो लेट्स डू समथिंग। हम गए, हमने एक इधर ही पेशावर की एक एकेडमी से हम लोगों ने कोर्स किया। जब वो मैंने कोर्स किया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, मुझे लड़कों से शर्म आती थी बहुत और डर लगता था मुझे। तो मैं कहती थी कि नहीं भाई, लड़की होंगे तो मैं कैसे। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट एक वो था, स्टेप था, जो कि मैंने अपने लिए लिया था कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो मुझे ही करना है, किसी और को नहीं करना। कोई और आके मुझे मेरा हाथ पकड़ के नहीं लेके जाएगा, जो करना है वो मुझे करना है। हाँ, मैं खुद ही करूंगी, मैं हर चीज़ को, मुझे फेस करना है। फियर है ना, एक दिल में फियर है, ठीक है, मुझे इसको फेस करना है। फिर इस तरह से मैं गई वहाँ पे, एकेडमी गई, मैंने वहाँ से ऑनलाइन कोर्स किया। वो टाइम तो नहीं था जब हमारी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम? उसी दिनों की बात है। हाँ, उन्हीं दिनों की बात है। वेल, मुझे भी याद आया है कि उसी दौरान आई थिंक ये वहाँ पे कोर्स करी थी या वहाँ पे पढ़ा रही थी, लेकिन हमारी मुलाकात हुई थी ऐसा, मतलब कुछ खास मुलाकात नहीं थी, लेकिन ये था कि हेलो हाय हमारा हुआ था। ओके, तो फिर तो मैं कह सकता हूँ कि माशाल्लाह आपने बहुत जल्दी ग्रो कर लिया है। जिस तरह के इनका एक यूट्यूब चैनल है जवेरिया सिद्दीकी के नाम से, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वही जवेरिया सिद्दीकी है जो कि शर्मीली सी थी, लेकिन अब मौका नहीं दे रही मुझे कि मैं भी बात करूँ। पहले मैं लड़कों से डरती थी, अब लड़के मुझसे डरते हैं। वेल, ये एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे। तो जवेरिया, आपने जब कोर्स कर लिया, उसके बाद जो सबसे एक मुश्किल मरहला होता है, वो होता है अकाउंट बनाने का, ठीक है, फाइवर अप और कहाँ पे जाए, क्या करें, कैसे करें, वो थोड़ा सा आप अगर बता दें। अच्छा, इसमें मैं आपको एक जो फैक्ट है ना, मैं आपको वो बताऊंगी। जब आपके जज्बे बुलंद होते हैं, जब आप दिल से कुछ काम करना चाहते हैं ना, और आपके ड्रीम्स होते हैं और आपके कुछ गोल्स होते हैं, तो मैं कहती हूँ ना कि रास्ते आपके लिए खुद ब खुद आसान होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब मैंने अपना फर्स्ट अकाउंट बनाया था, उधर मैं अकेडमी हुई थी, और टीचर हमें गाइड कर रहे थे, और मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स थे, लड़के बैठे हुए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो लेके जाते थे लैपटॉप, सर हमें अकाउंट बना दें, हमें गिग बना दें, हमें ये, मैं सब कुछ खुद से ही कर रही थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट लेवल जो था ना, दैट वॉज ऑन अ पीक। और आप गूगल से सीख रही थी, यूट्यूब से सीख रही थी? नहीं, मैं कोर्स किया, मैंने यूनिवर्सिटी गई थी, अकेडमी से मैंने कोर्स किया था, पूरा उस पर रिलाई किया था। हाँ जी, मैं उधर से बस वही हमें गाइड कर रहे थे, क्योंकि मेरे लिए दैट वाज वेरी न्यू फॉर मी ना उस टाइम पे। ओके, तो मुझे तो कुछ सर पांव पता ही नहीं था, तो बस वो गाइड करते थे, तो मैं उसी को फॉलो नहीं था। नहीं, वो उन्होंने हमें सिखाई थी। अच्छा, स्किल्स भी वहाँ पे आपको? हाँ, लेकिन बिल्कुल बेसिक, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था एनिमेशन का, बस वो हमें सिखा दिया। उसके बाद अब तक जितनी भी जो मैं कर रही हूँ ना, वो मेरी सेल्फ लर्निंग है। Okay, so आप 3D animation वगैरह की, या 2D animation, 2D animation की सर्विस दे रही है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस हुआ है, और आगे तो हम जाएंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से, पूरा कोर्स है वो आप देख भी सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं जवेरिया से पूछना चाहूँगा कि जवेरिया, के जो 2D एंड 3D animation है, इसका फ्यूचर क्या दिखता है आपको? देखिए, फ्यूचर क्या कि अभी मैं आपको प्रेजेंट बता दूँ कि पहले कमर्शियल्स टीवी में देखें, कमर्शियल्स जो हैं वो बनते हैं, टीवी कमर्शियल्स जो होते हैं, एड्स होते हैं, वो कितना एक्सपेंसिव होता है। हाँ, ठीक है, मॉडल्स को हायर करना, फिर स्टूडियो, और बहुत कुछ होता है, बहुत लाखों रुपए लग जाते हैं। अब आपका एक छोटा सा भी प्रोडक्ट है ना, उसको प्रमोट करने के लिए एक छोटी सी 2D वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट करिए। 99% लोग यही कर रहे हैं, यही होता है। हायरिंग खत्म हो गई है, मीन के एक्टर के पीछे जाओ, एक्ट्रेस के पीछे जाओ, लाखों रुपया लगाओ, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसने इंसान को बहुत आगे पहुंचा दिया। अच्छा, इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें एक तो वेव.वीडियो है, भी आई थिंक मार्केट में रिसेंट आया है, बट आई थिंक वो तो वीडियोस के लिए है। 2D एनिमेशन के लिए आप कौन सा यूज करिए और रिकमेंड कौन सा करते हैं? सपोज अगर ये लोग सीखना चाहे आपके चैनल से, किसी और के चैनल से, अगर आप उनको थोड़ा सा गाइड कर ले। 2D एनिमेशन के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टेम्पलेट बेस्ड भी होते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं वियॉन्ड, लेकिन उसमें कस्टमाइज वर्क भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और आफ्टर इफेक्ट जो है वो तो बिल्कुल, मतलब कह दें कि एडवांस लेवल का है, ठीक है, उस पे तो हर तरह की एनिमेशन और हर तरह का काम हो जाता है। तो ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि
हम लोग यूज़ करते हैं, वाइट बोर्ड एनिमेशन भी बीच में आ जाती है, जो कि देखा होगा आप लोगों ने हैंड मेक जो होती है हाथों में से, वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो यही तीन चार सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक ठीक, ज़बरदस्त। आप पर्सनली कौन सा ज़्यादा यूज़ करती है, आपको पसंद बहुत ज़्यादा है? टू ये वियॉन्ड। अच्छा, और ये एनिमेट्रॉन का मैंने एक नाम सुना है, वो भी आई थिंक एनिमेकर होगा। एनिमेकर, यस, एक एनिमेकर भी है, एक एनिमेट्रॉन भी है आई थिंक। अच्छा, एनिमेट्रॉन तो हम लोग यूज नहीं करते, एनिमेकर, वियॉन्ड, वीडियो स्क्राइब और आफ्टर इफेक्ट। तो जो भैया, एक बंदा अगर बिल्कुल उसको कुछ आइडिया नहीं है और वो आना चाहे 2D 3D एनिमेशन में, कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस को सीखने में पूरा? ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे वियॉन्ड किसी ने नहीं सिखाया था, मैंने वियॉन्ड परचेज किया, उसको खोला और ये और हो गया। Easy है। क्लिक एंड ड्रैग वाला ऑप्शन जैसे। हाँ जी, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जो कि लोगों को समझ नहीं आती कि अच्छा इसका करें क्या, लेकिन उनकी गाइडलाइंस बहुत होती हैं तो इंसान सीख। और रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं वहाँ पे? रेडीमेड टेम्पलेट्स ही हैं। तो भाई वेट किस बात का, अभी तो आप लोगों ने स्टार्ट लेने ही है अगर आप समझते हैं। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर कितने का मिल जाएगा इनको? लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं, वो रिस्क है। मतलब वो इस तरह से है कि अगर वियॉन्ड की कंपनी को पता चल गया कि ये थोड़ा सा इलीगली यूज हो रहा है ना, तो वो फिर उसको ब्लॉक कर देंगे। तो आपको परचेज करना पड़ेगा, जैसे मैं ईयरली परचेज करती हूँ तकरीबन $1,000 का। ठीक ठीक ठीक, तो ट्रायल वर्जन वगैरह तो होगा ना? ट्रायल वर्जन 14 डेज का होता है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। लोग ट्राई कर सकते हैं, मोर देन इनफ, आप ट्राई कर ले, फिर दो तीन बंदे आपस में मिल जाए और सिंपली यूज करना शुरू कर दे। सो या, ये कुछ सॉफ्टवेयर के नाम भी उन्होंने आपको बता दिए। आगे जाते हैं थोड़ा सा आप अंदर के एक और क्वेश्चन को, जो यू नो बार बार उभर रहा है, दैट इज कमा कितना रही हो जवेरिया? अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी लेकिन चले फिर भी मोटिवेट करने के लिए इतना मैं बता दूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं घर बैठ के इतनी अर्निंग कर लूंगी। मेरी जो जॉब मैं करती थी उसकी मेरी लास्ट जो मेरी सैलरी थी दैट वाज अबाउट 15,000 रुपीज़, पूरा मंथ जाके 15,000 रुपीज़। अब मेरा एक प्रोजेक्ट 15,000, 20,000, 30,000 का आता है। क्या बात है, लेकिन फिर मैं क्वेश्चन करूंगा कमा कितना रही हो मतलब चाहते हैं कि मैं आपको ना वो दिखा दूं अपना बैंक अकाउंट। यार थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, देखिए वो लोग इतनी वीडियोस देख रहे हैं तो कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि आप कितना कमा रही हैं, ताकि मोटिवेशन मिले उनको। हाँ, नजर लगा देंगे, बस मोटिवेशन तो मिल ही जाएगी, नजर भी लगा देंगे। नजर नहीं लगाना। वैसे अब बस इतना है माशाल्लाह से कि मैं अपनी गाड़ी भी खरीद सकती हूँ, और अगर थोड़ी सी मैंने और भी ज्यादा सेविंग की होती ना, थोड़े मैंने उड़ा दिए ना पैसे, थोड़ी सी सेविंग की होती तो मैं अपने लिए अपना घर भी खरीद लेती। तो अब इंशाल्लाह प्लान तो मैं इंशाल्लाह खरीदूंगी अपना घर भी। वैसे पैसा होता है इसलिए है कि आप उसको उड़ाए, क्योंकि सिर्फ कमाना तो नहीं है कि आप उसको रखे बैंक में रखे और 10 दिन बाद आपकी मौत वाक्य हो जाए, पैसा बैंक में पड़ा रहे। मैं पर्सनली इस चीज का कायल हूँ कि भाई पैसा जो है अगर आ रहा है तो एंजॉय भी करना चाहिए। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के साथ डिफरेंट वीडियोज भी आती है। मैं अक्सर ऐसी ऐसी चीजें ले लेता हूँ जो कि जरूरी नहीं होती, लेकिन मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ये गैजेट पड़ा हुआ है। तो चलिए अब वेट करेंगे नेक्स्ट टाइम जवेरिया का कि गाड़ी लेगी तो हम इन कंटिन्यू करवाएंगे। आगे जाते हैं अब और क्वेश्चन करते हैं अबाउट फाइवर। आप फाइवर पे काम कर रही हैं, लोकल क्लाइंट भी हैं या नहीं? हाँ जी, लोकल है लेकिन लोकल कम होते हैं। कम होते हैं फाइवर पे राइट नाउ, 2D और 3D के हवाले से लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन है, तो किस तरीके से उसको हम वो टैकल कर सकते हैं? आया लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जाना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए, क्या प्रोसीजर हो सकता है इसमें जो है? तो डिपेंड करता है, सी आपको जब आप कोई भी फाइवर की किसी भी कैटेगरी में आप जाते हैं ना, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, आप उसकी SEO आपको सीखनी पड़ेगी, आपको उसके जो टाइटल्स होते हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। आपने एक टाइटल बना लिया राइट, लेकिन आपको अगर कॉन्टेक्ट्स नहीं हो रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका टाइटल गलत है, इट मीन्स कि आपकी गिग जो है आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, कि अगर आपने टाइटल बनाया तो उसमें आपके टैग्स और कीवर्ड्स और उनमें आपकी जो गिग है वो शो हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो इट मीन्स कि आपने गलत बनाया। तो आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कहाँ पे गिग कौन से कीवर्ड पे शो हो रही है। जैसे 2D एनिमेशन है तो मैं देखूंगी कि 2D एनिमेशन में मेरी गिग शो हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। 2D एनिमेटेड वीडियो है तो वहाँ पे मेरी गिग शो हो रही है कि नहीं हो रही। कार्टून वीडियो है तो उसमें शो हो रही है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि गिग कहाँ पे है। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। अब थोड़ा सा ज़ाती ज़िंदगी की तरफ आते हैं जवेरिया, इस ऑनलाइन फील्ड के अलावा आप क्या करती है, मतलब किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, क्या करना चाहती है, ड्रीम्स क्या है आपके? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अपने काम से और इन चीज़ों से मुझे इतनी मोहब्बत है ना, इतना प्यार है कि मेरी लाइफ में कुछ और है ही नहीं। मेरे लाइफ में और कोई एक्टिविटी नहीं है किसी भी किस्म की।
मेरी सुबह होती है मेरे काम से, मेरी रात ख़त्म होती है मेरे काम पे इस तरह। फिर आपने कुकिंग की वीडियो क्यों डाली अपने चैनल पे? पकड़ लिया है मैंने। ईद था, ईद पे मैंने थोड़ा सा ना, मैंने कहा चलो बस अब ईद में तो कम से कम जरा काम को एक्साइट कर दूँ, तो मैंने ईद पे मैं किचन में गई और जाके मैंने कहा चलो यार कुछ अब वीडियो अपलोड नहीं हो रही, मतलब काफ़ी टाइम हो गया ना मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो अब इस तरह करते एक रैंडम सी वीडियो डाल लेती हूँ। तो सब कुछ रेडी था, बस मैंने ऐसे ऐसे किया और बस फ्रंट पेन पे डाल के और मैंने वीडियो बना ली। सही, ट्रैवलिंग का शौक है? ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं, आउट मतलब आउट ऑफ पाकिस्तान। वर्ल्ड टूर पे इंशाल्लाह जाऊंगी। जैसे ये हर जो आईटी बंदा होता है ना उसका एक ड्रीम होता है बाहर निकलने का, हम भी हर साल प्लान करते हैं कि बाहर जाना है लेकिन मसरूफियात इतनी हो जाती है, बट अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कोशिश करें। मेरा भी प्लान था दुबई एक्सपो पे जाने का। अच्छा। और उसके अलावा इस्तांबुल का एक वो इवेंट हुआ था, हमारे दोस्त ने किया था, तो उस पर भी प्लान था लेकिन लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो गई है। बट कब तक वो अभी करना है इंशाल्लाह, हर हाल में करना है। इसके अलावा मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा, बाकी तो जितने भी इनके माइंड में क्वेश्चन होंगे, आपका चैनल है माशाल्लाह से आपको बहुत कम टाइम में सक्सेस मिली है और ये सक्सेस का जो नतीजा जो मुझे नज़र आ रहा है उसकी जो रीज़न है वो है बिलीव इन अल्लाह। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात है कि इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया और माशाल्लाह से ये इस लेवल पे आ गई है कि इसका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर गया है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है टिप्स एंड टेक्निक्स मिलेंगे जो है। बाकी तो ये आप लोगों से वहाँ पे ये लोग आपसे वहाँ पे सीख लेंगे। कोई लास्ट मैसेज आप इनको कन्वे करना चाहें जिस पर ये लोग मेहनत करें और कामयाब हो जाए इस ज़िंदगी में? जैसे कि अभी आपने बताया ना कि रेगुलर होना पड़ता है अगर आपने कुछ करना है लाइफ में। पहले तो सबसे पहले अगर आप किसी से इंस्पायर हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट मींस कि आप विदाउट एनी रीज़न नहीं देख रहे हैं, यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो, राइट? तो उसके लिए ऑफकोर्स आपका कुछ ना कुछ माइंड बना होगा, तो सबसे पहले अपने माइंड के ऊपर फोकस कीजिए बजाय इसके कि आप स्किल्स के ऊपर जाए, पहले माइंड के ऊपर जाइए, कुछ अपने ड्रीम्स बनाए, गोल्स बनाए, उसके बाद फिर आप स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। आप देखिए आप किस कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में आप और कौन सा काम आप दिल से कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। और फीमेल्स के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर देखिए चाहे केपीके हो या इस्लामाबाद हो, जो भी हो, हमारा कल्चर उस टाइप का नहीं है कि हम हर इंडस्ट्री में जाके ना इजीली काम कर सकें। ये सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, किसी को कुछ पता नहीं चलता, आप घर बैठे हुए लैपटॉप लें, मोबाइल लें और मिलियंस में डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री फॉर यू, फॉर एवरीवन, और लेकिन स्पेशली फीमेल्स के लिए तो सबसे बेस्ट है। ज़बरदस्त बेहतरीन मैसेज, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन इंस्पिरेशन है आपके सामने जवेरिया बैठी अगर बात कर रही है, क्योंकि कोई भी बंदा उस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करता जहाँ पर उसको पैसा नहीं मिलता। Exactly. क्योंकि मनी इज़ मोटिवेशन, सो दैट्स वाई अगर ये यहाँ पे बैठ कर डिस्कस कर रही है और आप लोगों को भी बोल रही है कि आ जाए, तो इट मीन कि इनको कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ मिल रहा है माशाल्लाह से। तो भाई फोकस कर लो अपने आप पे, और बजाय इसके कि आप लोग जो है ना गिले शिकवे करो कि हमारी किस्मत में नहीं है, इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, इन लोगों के सर पे किसी का हाथ है, इनके पास पैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला, भूल जाओ ये हमारे यहाँ नहीं था, न मेरे केस में था, न इन्होंने आपको बता दिया, सिंपली कोर्स लिया, वहाँ से इन्होंने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। मेहनत करो, फोकस करो अपने आप पे, और अल्लाह ताला किसी के साथ भी ज्यादती नहीं करता। Exactly. वो रोजी रसा है, वो सबको देता है, आपको भी देगा, सिर्फ राइट टाइम का वेट करना है। जवेरिया थैंक यू सो मच, इसी के साथ जो है हमें जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, और इंशाल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको बुलाएंगे और आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का बिल भी ओके कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह पामान।